The question given is, यदि sin of pi cos theta equals to cos of pi sin theta, तब cos of theta plus pi by 4 का मान क्या होगा? हमें find करना है. तो हमें क्या given है? Sin of pi cos theta equals to cos of pi sin theta. अब हमें पता है कि अगर cos of pi by 2 minus theta हो, तो उसकी value कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा के इक्वल. दैट मींस अगर साइन ऑफ पाई बाय पाई कॉस थीटा है, तो उसकी वैल्यू होगी कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस पाई कॉस थीटा के इक्वल. अगर इधर सब्सटीट्यूट करें तो हमें क्या मिलेगा? कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस पाई कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई साइन थीटा. अगर ये हम अज्यूम करें हमारे प्रिंसिपल वैल्यू में ही है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? पाई बाई टू माइनस पाई कॉस थीटा इक्वल्स टू पाई साइन थीटा, तो इक्वल्स टू कॉस है, तो ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है और कॉस ऑफ थीटा भी कॉस थीटा होता है, तो ये प्लस माइनस कोई भी वैल्यू हो सकती है. पाई से डिवाइड करते तो हमें मिलेगा 1/2 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस माइनस ऑफ साइन थीटा. अब हम दोनों साइड 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दे डिवाइड कर लेते हैं. तो 1/√2 कितना होता है? कॉस पाई बाई फोर, क्योंकि हमें पता है कॉस पाई बाई फोर इक्वल्स टू साइन पाई बाई फोर इक्वल्स टू 1/√2 होता है. तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस पाई बाई फोर इक्वल्स टू, इसमें हम लिख सकते हैं कॉस पाई बाई फोर कॉस थीटा प्लस माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू साइन पाई बाई फोर. अब हमें दो फॉर्मूला पता है कि कॉस ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, एंड कॉस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी. इधर हमने प्लस माइनस दोनों का साइन लिया है, तो ये कितना होगा? 1/2 कॉस पाई बाई फोर इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस माइनस पाई बाई फोर. सो हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, जो है 1/2 कॉस पाई बाई फोर के इक्वल. सो ये हमारा आंसर है. अगर हम हमारे ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. सो ये हमारा आंसर है.